हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12th एग्जामिनेशन परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेट। ठीक है, जब बीसीसी की बात जब हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग एक यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे, उसका यूनिट सेल का डायग्राम बना देंगे। मैं यहां बना दे रहा हूं। जो बीसीसी यूनिट सेल होता है उसमें हर कॉर्नर पे आइटम होगा, तो आइटम कितना होता है? 1/8 पार्ट होता है बीसीसी में। हर कॉर्नर पे कितना आइटम है? तो 1/8 पार्ट होता है। क्लियर? लेकिन बीसीसी का जो डिफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, हर कॉर्नर में तो आइटम होता है और एक एक आइटम, सिंगल आइटम, एक अदर इस क्यूब के अंदर होता है। जैसे रूम के अंदर पंखा घूम रहा है ना, बीचों बीच टंगा हुआ एक आइटम। ठीक है, तो एक आइटम देखो यहां पे। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं कि बीसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम आएगा वो कितना आ जाएगा बता? कितना आएगा जी? दो आएगा ना? कितना आएगा? दो आ जाएगा। क्लियर? कैसे आएगा? क्योंकि टोटल आइटम ऐसे निकालेंगे, टोटल आइटम इक्वल टू होगा 1/8 × 8 + 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। क्लियर? अब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए आइटम का अरेंजमेंट जानना जरूरी होगा। आइटम का अरेंजमेंट पता है कि आपके जो रूम जिसमें आप बैठ के वीडियो को देख रहे हैं उसमें छत है, छत में चार कॉर्नर है, फर्श है उसमें चार कॉर्नर है। तो आपको क्या करना है ना, जैसे सपोज मान लो ए बी सी डी, ये छत वाला है पोर्शन, ई एफ जी एच, तो ऊपर का जो पोर्शन है, छत का जो पोर्शन है, उस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर की दूरी, ए और एफ के बीच की दूरी, ए और एफ हम लोग क्या निकालेंगे? ए और एफ ऐसा है ना, एक ए है दूसरा क्या है एफ। इसका जो दूरी जो निकलेगा ना, अगर एज लेंथ होगा ए, अगर एज लेंथ क्या है तुम्हारा ए है, तो इसका जो दूरी निकलेगा √3a निकलेगा। आप निकाल के देखिएगा, ये ट्रिक ऑफ क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। √2a नहीं आएगा, √3a आएगा। ओके, √3a। इसमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ये ए है, ये एफ है। ठीक है, जो भी स्फीयर में बनाया हूं सब इक्वल है, दिखने में थोड़ा अनइक्वल लग रहा होगा लेकिन सारे इक्वल है। ठीक है, तो ए और एफ के बीच का दूरी कितना है? √3a। यहां से यहां तक का जो दूरी है √3a, इसमें कितना आर है? तो 4r है। कितना आर है? 4r है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है बाबू √3a है ना। क्लियर? यहां पे क्या लिखेंगे? √3a इक्वल टू 4r, देयरफॉर r इक्वल टू √3a/4। ये वैल्यू आपका आ गया, आर इक्वल टू √3a/4 क्या आ गया? 4। ये किसके लिए आ गया? तो बीसीसी यूनिट सेल का जो डायगोनल निकाले, एक ऊपर का कॉर्नर और दूसरा नीचे का कॉर्नर, एक ऊपर का कॉर्नर और दूसरा नीचे का, ए और एफ के बीच का दूरी, इसमें एटम का अरेंजमेंट देखो इसी तरीके से है। क्लियर? आर इक्वल टू इतना आ गया। अब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, कल वाला फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला का जब आप लिखिएगा ना, तो लिखने के क्रम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला को तो आपने लिख दिया, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे? देखो, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम आप लिखे होंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। टोटल आइटम कितना था जी बीसीसी में? 2 आइटम था, तो 2 आइटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 πr³ / a³ ×
इसको एक बाहर निकालेंगे तो थ्री रूट थ्री ए क्यूब अपॉन 64 इंटू 100। इसका जब कैलकुलेशन जब करोगे ना, इसका कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा, एक कट गया देखो तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपको, बीसीसी के बैठे में जब बात चलेगा इसको काटना पड़ेगा जी आपको, जितना कीजिएगा ना तो इसका आ जाएगा 68% आपको आ जाएगा काटने के बाद आपको। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा है यहाँ पे 68 मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना, उसको सुधार लेना थोड़ा सा। 68% किसमें आएगा, बीसीसी में आएगा, एफसीसी में 74 के आसपास आता है, ठीक है, तो काट करके इसका आंसर बना लीजिएगा, क्लियर। अब है क्या कि बहुत ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जिसे याद रखना उतना आसान नहीं, है, तो उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल। ओके, हाँ मैसेज आ रहे हैं भाई, क्या बात है, हाँ कमलेश सर से, हाँ मिस्टेक हो गया भाई, एफसीसी में मिस्टेक तो हुआ ही है, एफसीसी का जो कैलकुलेशन किया गया ना उसको सुधार लेना लास्ट वाला, मैंने डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दिया था 24% उसका आएगा किसका, एफसीसी के लिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, सिंपल बीसीसी एफसीसी, क्लियर, यूनिट सेल। इसका आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर बराबर होगा क्या आपके भाई, टू। इसका कितना होगा बीसीसी का, रूट थ्री ए बाई फोर, ठीक है, इसका कितना होगा, ए अपॉन टू रूट टू। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, इसका 52% होगा, इसका 68% होगा, इसका 74% होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नंबर ऑफ एटम कितना होगा, सिंपल क्यूबिक में एक एटम होगा, बीसीसी में दो होगा, इसमें कितना होगा, चार होगा, क्लियर। इस तरीके से आप इस टेबल को याद रखिएगा ना, इस टेबल को अगर याद रखते हो बाबू, क्वेश्चन डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना किसी भी एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है जिसे पूछेगा ऐसे ही, देखो कि आर का वैल्यू कितना होगा सिंपल क्यूबिक में, ए बाई टू, बीसीसी में कितना होगा आर का वैल्यू, तो रूट थ्री ए बाई फोर, एफसीसी में आर का वैल्यू कितना होगा, ए बाई टू रूट टू। परसेंटेज पैकिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें वॉइड आएगा कि वॉइड होता होगा कितना होगा सिंपल क्यूबिक में, तो 100 माइनस 52, 100 माइनस 68, 100 माइनस 74, अप्रोक्स कितना है कैलकुलेशन करने के बाद आता है। ओके, सो लेट अस स्टूडेंट्स रिवाइज ईच डे फॉर न्यू गाइडलाइन में, ऐसा नहीं रिवाइज ईच डे करेंगे, न्यू गाइडलाइन क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप फोकस करो, क्योंकि आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, एग्जाम अपने समय से होगा, ठीक है, एग्जाम अपने समय से होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं उससे आप बराबर उसका फोकस कीजिए, ठीक है, हाँ उसका फोकस कीजिए बराबर, कैलकुलेशन आपको करना है लास्ट में, हर किसी के कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि कमलेश सर लिख दिए तो बस तरुप का पत्ता हो गया, नहीं, डजंट मैटर व्हाट आई कैन राइट हियर, बिकॉज कैलकुलेशन इज एट योर हैंड, आप भी कैलकुलेशन को कर सकते हो, ठीक है, यदा कदा अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप उस पर फोकस करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कहाँ जा रहा है, कैलकुलेशन आपके पेज में होगा। ओके थैंक्स, लेट अस इन टुमारो बी एडेड द वीडियो ऑफ सेमी कंडक्टर, कंडक्टर मेटल रॉयड, मेटल नॉन मेटल, इसके बारे में कल करेंगे। ओके थैंक्स।